विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, ये दो योजनाएं घोषणा की थी, उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज करने के लिए फाइनल कर दिया, क्योंकि ये 1 दिसंबर 2023 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की, और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है, तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित, अभी 15,000 के लगभग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी लगभग 40,000 जाएगी। अभी पीपी से कर रहे हैं, जब पीपी का कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर जो बचेंगे उस सब आवेदन मांगे, इनको सबको SMS जा रहा है कि आपकी पेंशन लागू हो गई है टेबल इन जनवरी। तो ये पेंशन विधुर के लिए तो 3 लाख रुपए ही रखा है, क्योंकि विधवा के लिए भी 3 लाख है, तो विधुर के लिए भी 3 लाख है वार्षिक आय, लेकिन अविवाहित की वो 180 ही रखी है, कि 180 से कम है तो उनको ये मिलेगी, 60 वर्ष तक ये मिलेगी, 60 वर्ष के बाद ये सारी जितनी तरह की पेंशन होती हैं ये ऑटोमेटिकली फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाती है।